गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स अर्पिता। पहले मैं रिंग लाइट ऑफ कर देती हूँ, एक मिनट। टंटना, आई एम बैक विद द नवरात्रि व्लॉग। मैंने आप लोगों को बोला था नवरात्रि में व्लॉग आएगा, सो हियर वी गो। सो इट्स 11:30 सुबह से मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग स्टार्ट करूंगी, लेकिन मेरे को ज्यादा कुछ कर नहीं रही थी सुबह से, सिर्फ वीडियो ही बना रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि जब काम स्टार्ट होगा एक्चुअली मैं तब व्लॉग स्टार्ट करूंगी। अभी मुझे करना है कुकिंग। आज एकदम वेज सिंपल लंच बन रहा है। विश्व मोहती अभी चॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, बिकॉज चॉपिंग डिपार्टमेंट उनका है। एंड उसके साथ साथ आज हमारा कुछ प्लान भी है, मतलब बाहर जाने का रात को, क्योंकि यहाँ पे 2-3 प्लेस में गरबा नाइट्स होता है, सो वहां पे जाएंगे। ड्रेस वगैरह अभी तक मैंने कुछ चूज नहीं किया है। आई एम नॉट श्योर मैं लहंगा पहनूंगी, साड़ी पहनूंगी, क्या पहनूंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी पहनू उसमें कंफर्टेबल लगू। हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे मैं ड्रेस भी पहन के चले जाऊं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन कुछ ज्वेलरी पीसेस मुझे चाहिए, जिसके वजह से मुझे बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे एंटिक पीसेस आप लोगों को बाहर मिल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गुजराती लोगों का ये फेवरेट नवरात्रि सीजन होता है ना। सो काफी सारे यहाँ पे ज्वेलरी पीसेस आ गए हैं। मैं कल देख के आई थी, आ जाऊंगी लेने के लिए, खरीदने के लिए एक्चुअली में। सो उसके साथ साथ मुझे वॉशिंग वगैरह भी कराना है। लंच रेडी है, बहुत ही सिंपल सा लंच, वेज लंच एक्चुअली। सो चावल, पापड़, दाल, ये बहुत ही सिंपल सा दाल है, मतलब जीरा, लहसुन एंड चिली फ्लेक्स के साथ मैं छोक देती हूँ। एंड ये है पनीर टिक्का, आप ओवन में भी बना सकते हो, मैं इसको तवा फ्राई करती हूँ। एंड देन वी हैव करेला, मिस्टर मोहंती का फेवरेट है, इसको थोड़ा सा कड़क करके फ्राई करना होता है। सो या दिस इज आवर बहुत ही सिंपल सा लंच। लाइक सारा पसारा यहाँ पे जमा हुआ है, तो लेट मी शो यू। ये कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं PR, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक माइसेलर वाटर, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट की तरफ से ये एक लिप बाम आया है। बहुत सारे लिप बाम हो गए मेरे पास। ये एक सोप है, बाथिंग बार है। तो देन आया है शुगर की तरफ से, लेट मी शो यू। ये है अगेन लिप बाम। देन मेरे पास है एक काजल, एंड देन और एक लिपस्टिक आया है टैन फैन। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हो गए हैं। अभी मैं अगेन लाइक गिव अवे करने की सोच रही हूँ, देखते हैं क्या होगा। देन आई एम सो कन्फ्यूज अबाउट दीज टू आउटफिट्स। ये रिसेंटली न्यू मैंने परचेज की है, मुझे ये एक्चुअली पहनना था। ये एक ड्रेस है, दोनों ही ड्रेस है एक्चुअली, लेकिन मिस्टर मोहंती को ये पसंद आ रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी कलरफुल। तो लेट्स सी रात को जो पहनूंगी आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी ये जो बाहर गई थी ना मैं, ये लेके आई हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा पीस है ये हाथ में लगाने के लिए। एंड ये 200 रुपए का आया, बहुत ही अच्छा लगा। एंड ये मैं लेके आई हूँ ये नेक में लगाने के लिए, लेकिन मेरे पास ना ऑलरेडी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेक पीस है, तो मेरे पास ये था, ये मैं अभी लेके आई हूँ। दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा ड्रेस को मैचिंग करके वो मैं पहन लूंगी। और एक भी लेके आई हूँ कुछ, तो या फिंगर रिंग लेके आई हूँ। भाई सर भी 100 रुपीज़ का फिंगर रिंग था। ये मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, क्योंकि ये मैंने ऑनलाइन बहुत ही सस्ता देखा है। मतलब कि जब मैं रेडी होंगी आप लोगों को पूरा आउटफिट डिटेल्स दिखा दूंगी। कोशिश करूंगी कि इस ब्लॉग से पहले आउटफिट डिटेल्स चला जाए। एंड अभी मैं लगाऊंगी थोड़ा सा नेल पॉलिश। आई एम ट्राइंग कि क्या लगाऊं यार, लेट्स सी। पहले मैं ना देखती हूँ कि मुझे कौन सा ड्रेस पहनना है, उसको मैचिंग करके मैं नेल पॉलिश लगाऊंगी। सो या ओके गाइस, सो ये वाला जो शेड है कलर बार का, दिस इज 064 डार्क एंजल, ये मैंने अप्लाई की हुई है। इट इज सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल यू गाइस। हे गाइस, सो वी आर हियर फॉर अ क्विक डिनर। अभी टाइम क्या है, इट्स 8:28 एंड वी आर हियर एट आवर फेवरेट रेस्टोरेंट गोविंदा। यहाँ पे ना खाना जो है मस्त मिलता है, जैसे ओडिशा की तरह मसालेदार, स्पाइसी, ऑयली, वी लव दैट काइंड ऑफ फूड। सो रात को जाना था बाहर 10:30 बजे, तो हमने सोचा कि डिनर बाहर कर लेते हैं, बिकॉज मुझे फिर बनाना पड़ता, फिर बाहर जाते काम झाम। सो इसीलिए हम लोग अभी आए हैं डिनर करने के लिए, बहुत ही सिंपल सा डिनर करेंगे। देन मैं आप लोगों से मिलती हूँ, रेडी होंगी आप लोगों के साथ, देन वी विल गो टुगेदर आउट रात को, क्योंकि रात को ही स्टार्ट होता है गरबा डांडिया सब कुछ, यहाँ पे मजा आता है रात को ही 10:30-11 बजे। सो या मैं कुछ भी मेकअप नहीं करी हूँ, आज यू कैन सी, एंड थोड़ा सा लिपबम लगा के आ गई हूँ विद माई मिनियन टी शर्ट एंड माई फ्लैट जीन्स। डांस
खुश है, खुश है, खुश है, बहुत खुश है वो। सो आज स्टार्टर में मंगाए हैं नूडल्स, हक्का नूडल्स। So then I asked for some tandoori roti and paneer. ओके गाइज, तो मैं ना ड्रेस पहन चुकी हूँ, अभी आप लोगों के साथ ही मेकअप करूँगी। जो गेट रेडी विथ मी वाला वीडियो है ना, मतलब ज्वेलरी एंड ऑल, वो मैं यूट्यूब शॉर्ट में डालने वाली हूँ। सो अभी मैं आप लोगों के साथ बस मेकअप कर लेती हूँ, लेट्स डू दिस। आप लोग देखोगे कि कितना सिंपल मेकअप मैं कर रही हूँ। वेट कलर ले रही हूँ, सिर्फ हाइड कर लूँगी डार्क सर्कल। ऑफ कैम लाइक ऑन कैमरा हम लोग इतना मेकअप करते हैं, इतना ट्यूटोरियल बनाते हैं कि इन रियलिटी मन ही नहीं करता है कि हम हेवी मेकअप करके जाए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक, हम लोग ज़्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन रियलिटी में आप थोड़ा सा भी लगाओ ना तो पता चल जाता है। सो दिस मच, जो कि मैं करती ही करती हूँ, दैट इज माई आईब्राउज। अगर मैं कुछ भी मेकअप नहीं करती हूँ ना तो आईब्राउज तो करती ही करती हूँ, बिकॉज मेरे जो आईब्राउज है ना, हेयर तो है लेकिन बहुत ही थिन है। सो आई फॉरगॉट टू अप्लाई सम हाइलाइटर, बिकॉज लाइट में ना थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लेने से फेस बहुत ही अच्छा ग्लो करता है, तो थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं। ओके गाइज, सो आई एम ऑल सेट टू गो आउट एंड यू वोंट बिलीव इट्स 10:10। ठीक है, हमें और 10-15 मिनट में यहाँ से निकलना है। मैं ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, हेवी ज्वेलरी आज मैंने थोड़ा सा पहनी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस है ये। इस ड्रेस को मैंने एक्चुअली बनवाया था, लाइक सिलवाया था कपड़ा लेके, मुझे ये मटेरियल बहुत ही पसंद आया था। इसका सेम ऐसे जो मटेरियल आप डिजाइन देख रहे हो ना, मैंने मिंत्रा में देखा था, अनोक ब्रांड का, तो बहुत ही अच्छा लगा था वो कुर्ता मुझे। लेकिन वो कुर्ता था एंड मुझे कुर्ता पसंद नहीं, मुझे ड्रेस पसंद आते हैं। तो जब मुझे ये मटेरियल यहाँ पे मिला, आई वॉज बी लाइक चलो इसका कुछ करते हैं। तो ये ड्रेस मैंने बनवाया था अपना डिजाइन देके, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड मैं नहीं चाह रही थी कि आज लहंगा पहन के जाऊं, क्योंकि आज मुझे डांस वांस नहीं करना है। आज मैं जाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगी, मतलब आप लोगों को घुमाऊंगी वहां पे, एंड मैं खुद थोड़ा सा दूर से देख के एंजॉय करूंगी कि क्या कैसे हो रहा है। एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तब भी व्लॉग कर रहा हूँ, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊंगी तब मैं डांस करूंगी। सो तब मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी क्या प्लान है है, लेकिन फॉर टुडे आज हम 2-3 प्लेस में जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कहां कहां जा रहे हैं, क्योंकि यहां पे यू नो हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में। बस खाली पड़ा है, I'm not afraid to die।
गाइस बैक टू होम। 12:15 हो चुका है। इयररिंग्स वगैरह बैंगल्स वैंगल्स सब कुछ निकाल चुकी हूँ एंड जूड़ा भी बन चुका है एज यू कैन सी। तो मैं आपको बताती हूँ सम ऑफ द नाइट क्या हुआ, क्योंकि बाहर मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। जब हम गए तो हमको पता चला दैट तीन जगह पे हो रहा है दांडिया गरबा। सबसे बड़ा वाला जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे भी गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। एंड और एक स्टेशन के पास भी हो रहा था, वहाँ पे भी हम लोग गए। दो प्लेसेस कवर कर लिए। बहुत लेट हो चुका था क्योंकि यहाँ पे बहुत लेट स्टार्ट होता है, हम जल्दी चले गए थे। 10:15 इज टू अर्ली बिकॉज ये लोग 10:30 के बाद भी स्टार्ट करते हैं दांडिया गरबा एवरीथिंग। सो 11:45 हो गया था तो हम लोग सोचे कि चलो आज वापस चले जाते हैं। दो जगह कंप्लीट हो गया है और एक जगह जो बचा है वो हमने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना वहां पे जाएंगे। वो पेड वाला है, एंट्री फी लगता है 100 रुपीज पर पर्सन। तो वहां पे स्क्रीन वगैरह भी लगा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम हम वहां पे जाने की सोच रहे हैं क्योंकि आज एक दिन में अगर सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे तो ठीक से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो वाला हमने बचा के रखा है, तो 2-3 दिन के बाद वहां पे मैं जाऊंगी, डांस करूंगी एंड एवरीथिंग। आई विल शो यू दैट प्लेस ऑल्सो। इट वॉज इट फॉर माई टुडेज व्लॉग यू गाइज। आई होप कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ कुछ दिन आप प्लान करते हो, सक्सेसफुली नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ दिन आप जैसा सोचते हो ना डिट्टो वैसा हो जाता है। आज का दिन कम्प्लीटली वैसा था, मैंने ये सब कुछ प्लान करके रखा था एंड परफेक्टली गया एंड बहुत ही अच्छा लगा। प्रीवियस 2 ईयर्स से ना मैं गुजरात में नहीं थी क्योंकि पोस्टेड हम 3 साल से है। फर्स्ट ईयर तो मैं देखी थी गरबा, मुझे याद भी नहीं है कैसा हो रहा था, लेकिन प्रीवियस 2 ईयर्स से ठीक इसी टाइम पे ही मैं घर पे चली जाती थी, ओडिशा चली जाती थी। तो मुझे नहीं पता है कैसा हो रहा था, क्या हो रहा था यहाँ पे, लेकिन दिस ईयर मैंने सोचा था कि जाते जाते मैं अच्छी तरीके से इन्जॉय करके जाती हूँ एंड आज का दिन तो काफ़ी अच्छा लगा। लेट्स सी नेक्स्ट जब जाएंगे तब क्या होगा, आई विल टेल यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। अगर आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों ने मेरे साथ इन्जॉय किया होगा देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज कम्प्लीटली फ्री। एंड ये आपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना सो दैट हम लोग का फैमिली थोड़ा ग्रो कर सके। सो दैट्स इट, आई विल सी यू सून, बाई।